गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बाला एजुकेशन पॉइंट। बाला एजुकेशन पॉइंट में थोड़ा सब का स्वागत करता। साड़ी जो अज की वीडियो है वह अपनी PPSC प्रिंसीपल जो पंजाब गवर्नमेंट करनी तो अनाउंसमेंट की गई सी उसके बारे है। पहला तो इस लैक्चर्स में स्टार्ट करने तो पहला मैं दसना चाहूँगा PPSC प्रिंसीपल जो अपने सबजैक्ट के 400 नंबर का पेपर से उस सबजैक्ट ए की थोड़ी अपनी वीडियो है जिसे थोड़े अपने 10 मड्यूल बनते 10 टॉपिक बनते। अगर मैं गल करा बाला एजुकेशन पॉइंट करनी तो ये भी साढ़ा 70 तो लैके 80% तक सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसन कंप्लीट करने के वास्ते टोटल 3 टीचर्स ये अपना काम करते हुए ने वर्क पार्टीसपेशन करते हुए ने। ठीक है जी, उस तो बाद अगर देखा जाए जी सबजैक्ट अगर टॉपिक बी भी है और टोटल थोड़े अपने 20 मार्क्स है, सबजैक्ट ए अपने 100 मार्क्स है 100 क्वेश्चन ने और सबजैक्ट बी के टोटल अपने 20 क्वेश्चन ने। अगर टोटल किया जाए तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़े अपने। ठीक है जी, उस तो बाद 70 और 80% सिलेबस कंप्लीट करने तो बाद अगर ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हरेक क्वेश्चन अपने आप के है बहुत ब्रीफली तरीके पूछा जाता है। आज जो थोड़े सामने मैं वीडियो लैक्चर लेके आया वो सिर्फ लैवल 1 के अकॉर्डिंग लेके आया। ठीक है जी, लैवल 1 के अकॉर्डिंग जिहड़े जिहड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1-liner क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस तो बाद असी गल करांगे लैवल 2 की जिस असी गल करांगे मल्टीपल क्वेश्चन से जिस स्टेटमेंट और असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे किहड़ी स्टेटमेंट किहड़ी सही है किहड़ी गलत है वह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुण तक साडे जिहड़े अपने बच्चे बाला एजुकेशन पॉइंट नाल जुड़े हुए ने PPSC प्रिंसीपल वाले उन्होंने 50 के करीब उन्होंने टोटल MCQ की सीरीज़ मिल चुकी है और 50 के करीब ही उन्होंने लाइव टैसट हो चुके हैं जिहदे विच काफ़ी अच्छा बच्चा ने अपना ये प्रदर्शन दिखाया या कह सकते हैं बच्चे दे विच काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हुई ने, मतलब कि 50 के 50 क्वेश्चन लैके 50 टैसट सीरीज़ में लैके। ठीक है जी, आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो थोड़ी अपनी MCQ सीरीज़ के उत्ते है। टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जिस अपने 2 प्रोडक्ट सने अपने कंप्लीट किए ने, पहली गल तो ऑनलाइन लर्निंग का और दूसरा थोड़ा अपना इंटरैक्टिव लर्निंग का। अज वो MCQ सीरीज़ है लैवल 1 के अकॉर्डिंग, कल ये लैवल 2 होएगा, फिर हौली हौली इस तरह ही लैवल इंक्रीज होंगे जाएगा। ठीक है जी, पहला वो क्वेश्चन नंबर 1st विच कहता की है वट इज़ द मेन यूज ऑफ एन मॉक, मॉक की मेन यूज़ की सी या फिर कह सकते मॉक की फुल फॉर्म की है। ये अगर मैं गल करा मॉक साढ़े वास्ते एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिदे बच्चे ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ई ट्यूटोरियल दी जाती है। अगर किसी बच्चे के कन्नी तो मतलब कि कोई भी परेशानी आती इस ऑनलाइन कंटेंट के बच्चा टीचर्स नाल इंटरैक्टिव लर्निंग भी कर सकता है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन भी कर सकता है, मतलब टीचर्स और बच्चे दोनों आपस में मिलकर कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो हूँ मैं अगर फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग जावां तो हल्के अगर नोट्स तुसी भी बनाते होंगे तो बन भी चुके होंगे कई एक नोट्स नवा ऐड होएगा थोड़ा अपना मॉक तो 3 साढ़े सामने 4 साढ़े सामने एक ऑप्शन दी हुई ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ू ए ऑप्शन से कहता कि फ्री मासिव ऑनलाइन ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है जी, मैंने गल की कोर्स की मतलब कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कितने गल ही नहीं की जाऊगी, इस करके ए थोड़ी ऑप्शन रिजैक्ट हो जाएगी, बी ऑप्शन थोड़ी अपनी रिजैक्ट हो जाएगी। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन के बीच फर्क की है, सी ऑप्शन कहता की है फ्री मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सिस की गल की गई है ये। ठीक है जी, कोर्सिस की गल की गई है और बी डी पॉइंट कहता की है फ्री मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सिस गल की गई है। कोई फर्क नहीं, अगर डीपली चैक किया जाऊगा तो ध्यान देखा भी हो गया गया होगा तो इतने जो आंसर आएगा साढ़ा अपना सी ऑप्शन आएगी। पर डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आया तो डी ऑप्शन की लिखता पे है ऑनलाइन पहला लिख रहा है ओपन बाद लिखता पे है, तो ध्यान रखियो जो भी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो सब तो पहला डबल ओ दे अकॉर्डिंग ओपन पहला आएगा ऑनलाइन बाद दे विच आएगा, तो इतने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ ऑनलाइन फिर लिखा हुआ थोड़ा ओपन, जबकि ऑप्शन की होजूगी गलत होजूगी। उसने नैक्सट लिखा है फॉर एनी एज ग्रुप, ये कोई मायने नहीं रखता वैसे तो एज ग्रुप जो अपना मॉक है जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करता है इस एज ग्रुप कोई भी हो सकता है 9th क्लास तो लैके मतलब कि जिन्हें भी थोड़े हायर एजुकेशन के है सब का थोड़ा अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है कंटेंट प्रोवाइड करता है मतलब कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 2nd वट इज़ ई लर्निंग, पहला दस रहा अगर किसी बच्चे को वीडियो पसंद आती है तो पिछे नीचे अपना कमेंट बॉक्स के अपना मैसेज लिखना, अगर कोई भी डाउट होंगे पूछ सकते हो, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है इच्छुक है परचेज करना चाहता है तो
इस नंबर के उत्ते नंबर का ना कॉन्टैक्ट नंबर है 9646810103 के उत्ते अपनी कोई भी डाउट है या पसंद आया लैक्चर और परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सैकेंड की कहता है, वट इज़ ई लर्निंग। हम टॉपिक का नाम ही साढ़े वास्ते टैक्नोलॉजी इनोवेशन, तो सब तो पहला पता होना चाहिए ई लर्निंग की होंगी है, ई लर्निंग के टाइप्स कि मतलब कि ई लर्निंग कि चीज़ा आदि ने। ठीक है जी, उस तो बाद हम गल करिए वट इज़ ई लर्निंग साढ़े वास्ते की होंगी है, तो पहली गल इतनी पता लग गया ई मतलब साढ़े वास्ते इलैक्ट्रॉनिक लर्निंग की होंगी है। तो आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए ऑप्शन की कहती है वैब बेस्ड लर्निंग है, ऑडियो बेस्ड लर्निंग है, ट्रेडिशनल लर्निंग है। तो पहली गल तो ट्रेडिशनल तो इतनी ही रिजैक्ट हो जूगी कि क्वेश्चन से पूछा गया वट इज़ ई लर्निंग। उस तो बाद बी पॉइंट पूछता है ऑडियो बेस्ड लर्निंग, ए पॉइंट पूछता है वैब बेस्ड लर्निंग। तो इट मीन कि अगर ई लर्निंग की गल करता वे किसी ना किसी वे इंटरनेट कनैक्ट किया जाता होगा, वैब पोर्टल कनैक्ट किया जाता होगा, ब्राउजिंग की जाती होएगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अपनी ऑप्शन बनेगी वो कि होएगी वैब बेस्ड लर्निंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने पिछले क्वेश्चन से भी गल की हुई है WBL की फुल फॉर्म की होंगी है, वर्ड वैब बेस्ड लर्निंग होएगी। ठीक है जी, वैसे तो यह लैवल 1 है पर एज अ फॉर अ डेमो तो करनी तो थोड़ा ये अकॉर्डिंग लैवल 2 का क्वेश्चन भी एक महीने पाया हुआ है जो थोड़ा अपना क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, नीचे थोड़ी 2 स्टेटमेंट्स दी हुई ने, एक स्टेटमेंट 1 दी हुई है, एक स्टेटमेंट 2 दी हुई है, थोड़े आंसर स्टेटमेंट 1 पढ़ना है और स्टेटमेंट 2 पढ़ के नीचे 4 ऑप्शन दी हुई ने, उस क्वेश्चन के पुछूगा ऑप्शन कि स्टेटमेंट सही है कि स्टेटमेंट गलत है, दोनों सही ने या दोनों गलत ने, किस तरह की स्टेटमेंट सही होएगी। तो स्टेटमेंट 1 कहता की है जी फुल फॉर्म है मॉक की, वह की होंगी है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सिज होंगे ने जो आप क्वेश्चन नंबर 1 च भी कंप्लीट किया। स्टेटमेंट 2 कहता की है जी एब्रीवेशन है स्वयं, इनू कई जाने स्वयं भी बोलते हैं स्वयं भी बोलते हैं, पर अगर मैं एक्चुअली वर्ड बोलना वैसे तो हूँ तो स्वयं ही है, पर एक्चुअली इंग्लिश अकॉर्डिंग असं की बोलेंगे इट सैल्फ, मतलब कि स्वयं की फुल फॉर्म की होएगी। स्टडी वेट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अकेडमिक माइंड्स होएगी, तो की होएगी। ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन कोर्सिस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ऑनलाइन लर्निंग के अकॉर्डिंग ये दोनों ही साडे अकॉर्डिंग एक वैब पोर्टल्स ने, मॉक की होंगी है स्वयं की होंगी है, इन्हें फुल फॉर्म के बारे पूछा गया, तो तुमने जवाब देना कि दोनों स्टेटमेंट सही होंगे कि गलत होंगे। इतों की अगर क्वेश्चन नंबर 1 किया अपने तो जब अपने मॉक की फुल फॉर्म उत्थी पढ़ ली सी, इट मीन के स्टेटमेंट 1 तो सही होएगी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बारे देखते हैं, स्वयं स्टैंड फॉर द स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अकेडमिक माइंड्स लिखा गया, तो देखो कि ऑप्शन सही होएगी। ए ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। हूँ इतने क्वेश्चन च लाई करता कि ए सही होएगी, तो थोड़ा सिर्फ इको ही पता है कि इको ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। ठीक है, तो इतने थोड़ी सैकेंड जी थोड़ी बी ऑप्शन है ये दोनों ही थोड़ी की हो जाएगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस कहता की है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, 1 सही है, बी खत्म हो जाएगी। उस तो बाद डी ऑप्शन भी थोड़ी खत्म हो जाएगी, डी ऑप्शन कहता की है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 1 तो सही है, हूँ बचे कि ए और सी। ए और सो ची कहता की है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, कि सही हो गई। तो देखो थोड़े सामने अगर मैं स्वयं स्वयं की गल करा या स्वयं की गल करा तो इतने जी फुल फॉर्म होंगी साढ़े वास्ते होंगी है स्टडी फेड फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अकैडमिक माइंडस, नहीं आना इतने की आऊगा थोड़ा अपना एसपिरेंट्स माइंड, कई बार एसपिरिंग बोल देंगे ने, तो ध्यान रखिए तो गलत लिखा हुआ अकैडमिक नहीं आना, इतने की आऊगा एसपिरिंग माइंडस आएगा। तो हूँ जी साढ़े वास्ते स्टेटमेंट 2 है वह की हो जूगी गलत हो जूगी, तो जोड़ा थोड़ा अपना आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन नहीं आऊगी, वो थोड़े वास्ते कि ऑप्शन आऊगी सी ऑप्शन आऊगी। लैवल 1 का क्वेश्चन सीगा बट हल्का थोड़ा इधर डेमो दिखा रखा सी बी पॉइंट लैवल 2 के अकॉर्डिंग जो थोड़े सामने से क्वेश्चन। उस तो बाद 4th क्वेश्चन कहता की है डिस्कशन फॉर्म इन द ऑनलाइन लर्निंग इज वाया, मतलब कि अगर मैं गल करा डिस्कशन फॉर्म, ये जो डिस्कशन फॉर्म से साढ़े स्वयं प्रभा के 4 क्वाड्रेंट से, स्वयं प्रभा के साढ़े किन्ने क्वाड्रेंट से टोटल 4 क्वाड्रेंट की गल की, स्वयं के साथ टोटल 4 क्वाड्रेंट से, यह 4 क्वाड्रेंट की गल करता पे है। डिस्कशन फॉर्म किस चीज़ के बारे होगी, कहता इज द ऑनलाइन लर्निंग वाया ईमेल के थ्रू होगी, बी पॉइंट कहता कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिस होगी, सी पॉइंट कहता लाइव लैक्चर होएगा, या साढ़े पास ऑल ऑफ अबव होएगा। तो डिस्कशन फॉर्म की गल करता पे है, इट मीन के इस गल की जाती है डाउट्स नू क्लैरिफाई करन दी, अगर डाउट नू क्लीयर करन दी, तो डाउट में अगर क्लीयर करता जाऊगा तो ईमेल की तो कोई लोड पैनी नहीं है ना, ईमेल वास्ते तो हो नहीं सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सी पॉइंट लाइव लैक्चर
डी पॉइंट ऑल ऑफ अबव हो नहीं सकता। उस तो बाद बी पॉइंट के अंदर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, या लाइव लेक्चर लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी गल, बहुत ज़्यादा क्लोज वन देखा जाऊगा तो डिस्कशन फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर डाउट क्लीयर किए जाते हैं तो साढ़े वास्ते बी जी पॉइंट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस में असं रिजैक्ट करते हुए सी पॉइंट में असं सिलेक्ट करा लाइव लैक्चर के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने टीचर ने इंटरैक्ट करना फॉर डाउटिंग, मतलब डाउट न क्लीयर करने वास्ते, तो डिस्कशन फॉर्म के अकॉर्डिंग एक बच्चे ई लर्निंग के अकॉर्डिंग लाइव लैक्चर टीचर्स ने अटेंड करने पैणगे। उस तो बाद सी फिफ्थ क्वेश्चन कहता की है, कंबीनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस, जिदे विच फेस टू फेस की गल की जाती है एंड ट्रडिशनल क्लासरूम की गल की जाती है। तो इट मीन के जेडे बाल एजुकेशन पॉइंट बच्चे ऐड होए हुए हैं उन्होंने ई लर्निंग की टाइप्स की गल की, जिस आप तीन चार चीज़ा की, एक ऑनलाइन लर्निंग की होंगी है, एक ब्लेंडेड लर्निंग की होंगी है, एक फ्लिप्ड लर्निंग की होंगी है, ठीक है। इन चीज़ों की आपने गल की, अगर मैं गल करा ब्लेंडेड अकॉर्डिंग और फ्लिप्ड अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्लिप्ड लर्निंग की होंगी है, तो दोनों थोड़ा डिफरेंस है। ब्लेंडेड लर्निंग असी एक ट्रडिशनल क्लासरूम का इनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और टीचर के नाल फेस टू फेस गल कर सकते हैं, वह तो साढ़े वास्ते की होजूगी ब्लेंडेड लर्निंग होगी, ठीक है, जिदा हूँ क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन अकॉर्डिंग साढ़े वास्ते दोनों चीज़ा आन गई, फेस टू फेस भी आजगा, क्लासरूम मतलब ट्रडिशनल क्लासरूम भी आजगी। तो उस जो लर्निंग का नाम है साढ़े वास्ते कि होगी एक तरह की कह सकते हैं कि जिस फेस टू फेस गल की जाती है और ट्रडिशनल क्लासरूम का मैथड ही अपनाया जाता है, तो साढ़े पास आंसर तो ब्लेंडेड लर्निंग आऊगा, ठीक है। बट फ्लिप लर्निंग होंगे, फ्लिप लर्निंग होंगे जिते बच्चे सब तो पहले बच्चे एक भीडियो में की करते हैं वॉच आउट करते हैं, ठीक है, भीडियो स्टूडेंट पहले देखेंगे, उस तो बाद उस लैक्चर सुनने टीचर के लैक्चर दैन उस बच्चे की आएंगे क्लास के वापस आएंगे। क्लास में वापस मतलब जो बच्चा क्लास आऊगा सब तो पहला एक वीडियो देख के आऊगा, टीचर सुन के आऊगा, मतलब कि सब तो पहले होंगे फेस टू फेस होगा, दैन उस बाद की होगी क्लास होगी। लेकिन इन्हें पूछा दोनों सिस्टम की गल की है, दोनों हाइब्रिड सिस्टम की गल की है, तो वो अकॉर्डिंग साढ़े वास्ते की आऊगा ब्लेंडेड लर्निंग ऑप्शन आएगी जो साड़ी अपनी बी ऑप्शन बनती है। लेकिन फ्लिप लर्निंग की होंगे स्टूडेंट पहला वॉच करेंगे, टीचर के लैक्चर लिसन करेंगे बिफोर कमिंग टू द क्लास, क्लास में आने तो पहला पहला वह साढ़े वास्ते की आजगी फ्लिप्ड लर्निंग आजगी। ये ध्यान रखना, मतलब कि एक ऑनलाइन लर्निंग का की है टूल है, ठीक है, टूल्स ने या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है फ्लिप्ड लर्निंग के, बट ब्लेंडिंग लर्निंग असं फेस टू फेस गल भी कर सकते हैं, और एक कहने का मतलब थोड़ा अपने ट्रडिशनल वे क्लास के इनवायरमेंट भी असं की कर सकते हैं क्रिएट कर सकता है, इनका मतलब कि जो ग्रुप बने होंगे टीचर के अकॉर्डिंग और बच्चा के अकॉर्डिंग उस चीज़ के अकॉर्डिंग। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स की कहता है, इन वर्चुअल क्लासरूम, थोड़ा सबन पता वर्चुअल क्लासरूम होंगे की है जी, असं ऑनलाइन लर्न क्लासरूम क्रिएट करते हैं जिदे पर्टिकुलरली अगर देखा जाए फिजिकल इनवायरमेंट नहीं होंगे, ठीक है, बट क्लासरूम की शेप दी जाती है। इन वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग की गल की गई है और लर्निंग की गल की है इनवायरमेंट अकॉर्डिंग, तो कि चीज़ दी जाऊगी सब तो पहला कि ट्रडिशनल मैथड्स होंगे या सॉफ्टवेयर होएगा। तो इतने मैं उस पहले दस चुका क्वेश्चन बारे पूछा गया वर्चुअल की, तो ट्रडिशनल मैथड तो हो ही नहीं सकता, तो इट मीन के ऑप्शन अकॉर्डिंग नीदर ए और बी भी नहीं हो सकता, बहुत ए एंड बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रडिशनल मैथड तो गलत ही हो चुका। तो अगर किसी बच्चे ने वर्चुअल क्लास बारे किसी ने टीचर के गलबात करनी है तो उन्होंने कोई ना कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की करना पेगा, बाय करना पेगा या टीचर्स ने अट्रैक्ट करने वास्ते सॉफ्टवेयर के उ क्लासिस की करनी पैनगियाँ, अटेंड करनी पैनगियाँ। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर सैवन, यह ऑलरेडी मैं तुम्हें दस ही चुका है, फ्लिप्ड लर्निंग इनेबल, फ्लिप्ड लर्निंग कि चीज़ा होंगे ने, तो डेफिनेशन तुम्हें ऑलरेडी पहले दस चुके हैं। तो ऑप्शन देखो कि कहता है, ए पॉइंट कहता है स्टूडेंट एसेस टू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन कहता की है स्टूडेंट टेक नोट्स इन द क्लास, इतने क्लास की गल की है कि स्पैसीफाई नहीं किया कि वर्चुअल क्लास है साढ़े वास्ते ट्रडिशनल मैथड अकॉर्डिंग जो असं आम स्कूलों अटेंड करते वो क्लास है, तो इतने असं की अजय अनअवेयर हाँ। इट मीन के सी ऑप्शन कहता की है स्टूडेंट लिसन टू द लैक्चर, कड़े लैक्चर की गल की गई है वो नहीं हजे फिलहाल पता। उस तो बाद अगला पॉइंट कहता कि डी स्टूडेंट इज साइन टू द होमवर्क, कि स्टूडेंट को होमवर्क साइन किया जाता है, सानू ए नहीं होना चाहता। ध्यान रखना फ्लिप्ड लर्निंग जी है एक तरह की फैसिलिटी है जो टीचर करनी तो बच्चों को दी जाती है, जिस बच्चा लैक्चर सुनता फिर क्लास के आता है, पर ध्यान रखियो इतने सी ऑप्शन आ सकती सी, लेकिन सी ऑप्शन तो पहला एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड क्वेश्चन पे है साढ़े पास आंसर पे है, वह ऑप्शन नंबर ए बनती है कि जी एक तरह की फ्लिप्ड लर्निंग एक तरह की टूल्स है या टेक्नोलॉजी है जो बच्चे की दी जाती है अपनी लर्निंग कंप्लीट करने वास्ते इनहेंस करने वास्ते दी जाती है। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर एट की कहता है,
ऑनलाइन लर्निंग स्पेशली गुड फॉर जिहड़ी ई लर्निंग है या ऑनलाइन लर्निंग है कारे वास्ते अच्छी होंदी है। ए पॉइंट च कहिंदा की है, ए ऑप्शन च की कहिंदा की है, मैनेजिंग इंटरैक्टिव क्लास स्टडी। इंटरैक्टिव क्लास स्टडी का मतलब होंदा, इंटरैक्टिव लर्निंग का मतलब होंदा बच्चा ग्रुप दे विच पढ़ना शुरू करता है, बच्चा मतलब कि इंडिया का बच्चा फॉरन के बच्चे ना पढ़ना स्टार्ट करता है, कट्ठे बैठने स्टार्ट करते हैं, शेयरिंग्स करते हैं, बिलीफ शेयरिंग करते हैं, कल्चर नू शेयर करते हैं और सेल्फ स्टडी नू कंप्लीट करने वास्ते किया जाता है। सेल्फ स्टडी मतलब ये नहीं मैं गल करता कि सिर्फ प्रॉब्लम नू सॉल्व किया जाएगा पढ़ाई के रिलेटिड, या फिर थोड़े अपने किसी देश के कोई अपने अफेयर्स ने, ठीक है, उन्होंने भी की किया जाता सॉर्ट आउट किया जाता उसी क्लास में बैठ के। ए ऑप्शन सही लगती है। बी ऑप्शन कहता कि ट्यूटोरियल्स, ये भी सही है, ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए ए ऑप्शन और बी ऑप्शन लैके दोनों मर्ज हो रही ने तो आंसर की आऊगा सी, जिससे आप गल करेंगे बोथ ए एंड बी दी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 9 रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा जहा चेंज है। मॉक इज मॉडल फॉर, जरा मॉक का मॉडल दिता गया सी कार्य वास्ते दिता गया सी। ए ऑप्शन च कहता की है डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट, हाँ जी होंदा ही है। उस तो बाद बी पॉइंट डिवेलपिंग कोर्स करिकुलम, अगर मैं गल करा इतने डिवेलपिंग जगह तो डिलीवरिंग आ जाता, ठीक है, तो आंसर साडा सही चला जाता, करिकुलम भी प्रोवाइड किया जाता, बट जे अगर डिवेलपिंग तो इट मीन कि साढ़े वास्ते चीज़ नहीं आएगी। उस तो बाद डिलीवरिंग सर्टिफिकेट, पहला तो मॉडल की गल की है, मेन मॉडल कहदे वास्ते रखा जाता है, तो ध्यान रखियो डिलीवरिंग सर्टिफिकेशन की गल तो बाद की जाऊगी जो बच्चे एक ऑनलाइन लर्निंग तो अपनी डिग्री या कोई भी डिप्लोमा या एजुकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ करिकुलम प्रोवाइड करता उस तो बाद सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। डी पॉइंट ट्रांजैक्टिंग का कॉन्टैक्ट, ये तो कोई आई नहीं सकता, ट्रांजैक्ट होंगे एक जगह दूसरी जगह तक लेके जाना, तो ये चीज़ तो बनेगी नहीं। तो बहुत ज़्यादा क्लोज में देखा जाए तो सब तो पहले साढ़े वास्ते की है, एक बच्चे ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट की करता है, डिलीवर करता है, जो साढ़े अकॉर्डिंग आंसर की आऊगा ए ऑप्शन, यानी कि डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 10, अगर किसी कोई बच्चा कहता कि हाँ PDF इस तरह की फॉर्म के ही होंगे, तो मैं तुम्हें दस रहा सारे जो लैक्चर्स ने साडे इसी PDF की फॉर्म के ने, इको ही लैंग्वेज पेपर आना है, तुम्हें सबन पता इंग्लिश के आना है, तो सारे नोट्स अपने इंग्लिश के ही बना दिए गए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ई लर्निंग, कि टाइप ई लर्निंग के अकॉर्डिंग, तो तुम्हें पता होना चाहिए ई लर्निंग के टाइप्स कि हो सकती ने। लैसन बेस्ड लर्निंग, हाँ जी होएगी होएगी। उस तो बाद ऐप बेस्ड लर्निंग, अगर गल की जाए ई लर्निंग की गल करता है तो ऐप उत्ते ही लगती होंगी है। सी पॉइंट कोर्स बेस्ड लर्निंग, करिकुलम बेस्ड भी होंगी है, कोर्स बेस्ड भी होंगी है, पर ऑप्शन अकॉर्डिंग कोर्स लिखा हुआ है, तो तीनों ही चीज़ा आदि ने, लैसन बेस्ड, ऐप बेस्ड, कोर्स बेस्ड। इट मीन कि जो ऑप्शन लाइक करेगा थोड़े वास्ते कि आऊगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि डी ऑप्शन थोड़े वास्ते की है राइट ऑप्शन है। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 11, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रडिशनल क्लासरूम एंड फ्लिप्ड क्लासरूम, हम देखो की डिफरेंस होगा दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग। बेटे ट्रडिशनल क्लासरूम के और फ्लिप्ड क्लासरूम के डिफरेंस होगा, तो ए पॉइंट कहता कि ए ऑप्शन के स्टूडेंट लिसन टू लैक्चर्स, वह तो पता ही है ट्रडिशनल भी होंगे और फ्लिप्ड भी होगा। चलो डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस मतलब की चेंज होगा दोनों लैके, तो ए ऑप्शन कोई चेंज नहीं दिख रहा। बी पॉइंट कहता की है स्टूडेंट वॉच एंड लिसन टू द लैक्चर बिफोर कमिंग टू द क्लास, पहला बच्चा लैक्चर को देखेगा सुनेगा क्लास में आने तो पहला। तो मैं ही तुम्हें एक डेफिनेशन दी सी फ्लिप्ड लर्निंग की, फ्लिप्ड लर्निंग की डेफिनेशन की दिती सी कि ये की होंगे बच्चा सब तो पहले लैक्चर को सुनता है फिर उस तो बाद क्लास में आता है, ठीक है, बट ब्लेंडेड की सीगा दोनों चीज़ा बराबर द चलदी ने, तो आंसर यही आऊगा थोड़ा, डिफरेंस जो मेन होंगे यही होंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट वॉच and listen to the lecture before coming to the class. उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 12 की कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स आर, जी 21वीं शताब्दी लर्निंग स्किल्स ने किस तरह की होंगे ने। ए ऑप्शन से कहता की है क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग होंगी है, अच्छा। बी पॉइंट कहता की है कम्युनिकेटिंग कलैबरेटिंग होंगी है, या सी ऑप्शन बहुत ए एंड बी होंगी है। तो अगर देखा जाए तो अजकल इंडिविजुअल डिफरेंसिस लेंदे हुए तो हरेक बच्चा अपने आप दे विच क्रिएटिव है, ठीक है, तो इट मीन के ऑप्शन ए सही है। उस तो बाद बी पॉइंट कहता कि कम्युनिकेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग, जिहड़ी लर्निंग की जाती है इकट्ठे बह के की जाती है, क्लास के ई लर्निंग एनहेंसमेंट की जाती है, एजुकेशन प्रोपर तरीके प्रोवाइड की जाती है, मतलब कोलैबोरेटिव नेचर अपने आप की हो जाएगी, इंटरैक्टिव लर्निंग हो जाएगी, टीचर और बच्चे आपस जो इंटरैक्ट करेंगे एक दूजे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो एक इशूज़ को की किया जाता है सॉल्व किया जाता होता, यानी कि बी ऑप्शन भी सही है। तो अगर आप जाइए क्लोज वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एक ही आंसर बनेगा थोड़े वास्ते बोथ ए एंड बी, जो साढ़े वास्ते की आएगी सी ऑप्शन आएगी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 13 की कहता है
कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हुण ए भी एक लैवल टू का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ध्यान ना समझे मैं क्वेश्चन की कहना चाहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन की कहता की है, फर्स्ट स्टेटमेंट की कहती की है, ऑनलाइन कोर्सेज एम्ड एट द अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन, मतलब जिन्हें मर्जी बच्चे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, सब के लिए ओपन है, ठीक है, बट होगा कि थ्रू वैब के थ्रू होगा। उस तक बी पॉइंट कहता की है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब पता ही लग चुका कि ये सारे बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं, लर्निंग कंटेंट दिता जाता है, बच्चे की एजुकेशन पूरा किया जाता है, सर्टिफिकेशन डिलीवरिंग की जाती है, पूरा पूरा प्लेटफॉर्म बच्चे कि मिलेगा वैब उत्ते मिलेगा। सी डी पॉइंट थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट की कहती है, ओपन लाइसेंस ऑफ द कंटेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर लर्निंग गोल, ठीक है, टू प्रमोट अ रीयूज, जो मर्जी देख सकते हो, जो मर्जी मतलब कि पढ़ा जा सकता है। उस वक्त तीनों स्टेटमेंट सही लगती ने, तो कि स्टेटमेंट सही होएगी, तीनों सही होनगियाँ या एक गलत होगी या दो गलत होनगियाँ। तो ऑप्शन ए कहता की है, फर्स्ट एंड सैकेंड अबाउट द मूडल, जी पहली और दूजी है वह मूडल के बारे है, और जी थर्ड है थोड़े बारे कल मोक के बारे है। इट मीन कि अगर मोक बारे पूछता वे है, अगर मोक बारे पूछता वे है, सिर्फ मोक बारे, उपर वैसे क्वेश्चन डिफाइन नहीं किया गया कि स्टेटमेंट मोक बारे कि सही है कि गलत है, तो अगर कल मोक बारे पूछता वे है तो ऑप्शन ध्यान रख देखियो किमें पढ़ा। तो जो तुम मोक की डेफिनेशन पढ़ते हो तो सब तो पहले मोक की डेफिनेशन अकॉर्डिंग यही चीज़ आती है कि एक ओपन लाइसेंस है, रीयूज और री मिक्सिंग की जा सकती है रिसोर्सिज की, मतलब कि ए ऑप्शन सही लगती है। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सैकेंड अबाउट द मोक, ये तो गलत ही होगी क्योंकि बी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है मोक के बारे, फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ यही लिता भी ऑनलाइन पार्टिसिपेशन है और ओपन एक्सेस वाय वैब, वो तो ये भी आ चुकी है, ओपन लाइसेंस ऑफ द कंटेंट, हरेक कोई बच्चा देख सकता है, हरेक वास्ते चीज़ की है ओपन है। और सी ऑप्शन कहता की है, ओनली फर्स्ट इज अबाउट अ मोक, कहता कली पहली ऑप्शन ही मोक बारे है, चलो ये तो गलत ही हो गया, ये तो चीज़ बनती नहीं हैगी। डी ऑप्शन कहते कि सारी स्टेटमेंट अबाउट अ मोक सही ने, हाँ जी ए ऑप्शन सही हो सकती है, डी ऑप्शन की सारी चीज़ा मोक बारे की ने सही ने। हूँ अगर देखा तो बी ऑप्शन भी गलत हो जूगी, ए और डी ऑप्शन बनेगी। अगर ए और डी एक ऑप्शन बनती है तो सब तो पहला मूडल बारे पता होना चाहिए, मूडल साढ़े वास्ते की है, मूडल साढ़े वास्ते एक वैब पोर्टल है जो एक तरह का मैनेजमेंट सिस्टम के बारे दसद, जेडे बच्चे ने कोई मैनेजमेंट के रिसर्च करनी है या फिर कह सकते हो मैनेजमेंट के कोई ना कोई स्किल प्रोवाइड की जाती है मूडल उत्ते। तो अगर पूछा जाता कल मॉक के बारे तो ध्यान रखना और ऑप्शन ए आऊगी सिर्फ, अगर कुछ भी डिफाइन नहीं है कि बारे गल की गई है तो वे कोई थोड़ी ऑप्शन आऊगी कल डी ऑप्शन। तो दोनों चीज़ा इतने कंट्रोवर्शियल इशूज ये आ सकता है, एक क्वेश्चन एक तरह का कि ए सही होगा कि डी होगा। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा जाता थोड़ा कल मॉक के बारे तो ऑप्शन ए सही होएगी, ठीक है। अगर पूछा जाता कुछ भी स्टेटमेंट के बारे तो डी ऑप्शन थोड़ी की होगी सही होगी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर अबाउट द मॉक। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या कल एडवांटेज की गल की ऑनलाइन लर्निंग के कि एडवांटेजेज ने हो सकते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग ऑफरस टीचर्स एंड एफिशियंट वे टू डिलीवर लैसनस, ये जो टीचर है बच्चों लैसनस प्रोवाइड करता है। बी ऑप्शन कहता की है, कोई भी लोकेशन पर बैठते मतलब कि कितों मर्जी असैस किया जाता है, एनी टाइम एनी वेयर कोई मर्जी कर सकता है। उस तो बाद सी ऑप्शन कहता की है, ये फाइनैशियल कॉस्ट की हो जाती है रिड्यूस हो जाए ने। इट मीन कि तीनों चीज़ा सही ने, तो आंसर कहड़ा है थोड़े वास्ते ऑल ऑफ अबव, तीनों चीज़ा सही ने तो तीनों आंसर भी सही ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन साढ़े वास्ते राइट आंसर है। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दे विच की कहता वे है, रियल लाइफ अप्रोच एंड गाइडिंग सोशल इंट्रैक्शन। मैं तुम दस्या जो ई लर्निंग की गल की जाती है तो यह नहीं है सिर्फ स्टडी रिलेटिड गल की जाऊगी, ये एक देश से दूसरे देश के कोई इशूज ने उन्होंने भी सॉर्ट आउट किया जाऊगा, मतलब कि सोशल रिलेशनशिप भी बनाए जाते हैं आप जो असं की करांगे ग्लोबल बेस से इंट्रैक्ट करांगे। तो ऑप्शन ए की कहती है फ्लिप्ड लर्निंग, नो क्वेश्चन की पता लग गया ग्लोबल बेस की गल की गई है, इट मीन कि ऑप्शन की आऊगी इंट्रैक्टिव लर्निंग, जो साडा सही आंसर है बी पॉइंट, ठीक है। उस तो क्वेश्चन नंबर 16, प्राइमरी टाइप ऑफ ई लर्निंग आर, कहते जी सब तो पहले लर्निंग होंगी सी वो साढ़े वास्ते कड़ी होंगी सी, प्राइमरी टाइप ऑफ ई लर्निंग मतलब ई लर्निंग की पहली टाइप जी साढ़े वास्ते की होगी। ए पॉइंट कंप्यूटर बेस्ड ई लर्निंग, यस होएगा ही होएगा आंसर, ठीक है। उस तो बाद बी इंटरनेट बेस्ड ई लर्निंग, अगर ई लर्निंग करनी तो इंटरनेट होना जरूरी है, ठीक है। फैसिलिटी इंटरनेट जी दी जाती है वैब थ्रू ई लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, तो जो आंसर बनेगा थोड़े वास्ते बहुत ए एंड बी आएगा। उस तो क्वेश्चन नंबर 17, ओपन लर्निंग सिस्टम मीनस,
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੇਕ ਅਪ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਵੇਅਰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਔਰ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਏ ਔਰ ਬੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਅਪੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਏ ਔਰ ਬੀ ਗਲਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਆਂਸਰ ਸੀ ਆਏਗਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਐਲ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ, ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲ ਆਫ ਵਰਬ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਸਵਾਇਮ, ਸਵਾਇਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਸੈਲਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਨ ਜੀ ਓ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰੋਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਨ ਜੀ ਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪੈਮ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਇਮ ਬਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਐਪ ਐਂਡ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਲੋ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਫ੍ਰੀਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈ ਪੀ ਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਈ ਪੀ ਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੀ ਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੂ ਜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਜੂ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸੀ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਟ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡ, ਮੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22,
ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 9 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੈਪਟਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਈ ਸੀ ਦੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਨ ਸੀ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਓ ਸੀ ਐਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਨ ਆਈ ਡਬਲ ਟੀ ਆਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਟੀਚਰਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਈ ਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੀ ਈ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜੂਗੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੂਗੀ ਉਹ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 1st ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸੀ ਦਾ 1st ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸੀ ਦਾ 1st ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਏ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4th ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਦਾ 1st ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 3rd ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ 4th ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ 2nd ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਔਨ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੋਵਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏ ਪਾਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 9। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 9 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਫੋਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਂਸਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੌਕ, ਮੌਕ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਅਸੈਸ ਜਨਰਲ ਕੰਜ਼ੋਰਟੀਅਮ, ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਓਪਨ ਅਸੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਆ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਮੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ।
ਆ ਫਰੀ ਐਂਡ ਓਪਨ ਸੋਫਟ ਸੋਰਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਆ ਮੋਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਆਰਸ ਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਹ ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਦੇ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੇਬਲ ਐਟ ਅਸਰਸ਼ਨ ਏ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸਰਸ਼ਨ ਏ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਊਗੀ ਅਸਰਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਦੂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਯੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਚਲੋ ਅਸਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਦ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੂ ਆਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੋਸਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਯੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਯੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਬ ਬੇਸ 'ਤੇ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਵਯੰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਵਯੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹ 'ਚ 9 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਆਰ ਟਰੂ ਹਾਂਜੀ ਟਰੂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਯੰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਟ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੀ ਏ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਨੋਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਚੈਲੇਂਜ ਫੋਰ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬੈਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਵਯੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਵਯੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਾਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਥਰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਕਚਰ ਫੋਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਯੰ ਦੇ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ 'ਚ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਈ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆ ਜੂਗਾ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਟੈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਆ ਜੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਿਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
डाउट्स के नाल तो हम थोड़े सामने पता होना जरूरी है कि कौन चीज नहीं आई है। तो इट मीन के मैंने क्रिटिकल लैक्चर की कितने गल नहीं की, इट मीन के क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग नहीं आऊ तो आंसर क्या आ जाएगा थोड़ा सी ऑप्शन नंबर थर्ड। जिद की गल करिए क्रिटिकल लैक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द स्वयं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 31 च कहता की है ओपन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव ऑप्शन फॉर स्टूडेंट। कहता की है ओपन लर्निंग जी है बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के वास्ते बट इज आलसो बैटर फॉर ये होर बच्चों वास्ते भी होर बंद भी की है बैटर है वह कि ए पॉइंट है द पुअर बी पॉइंट है द इलिटरेट सी पॉइंट है थोड़ा अपना इनवायरमेंट और डी पॉइंट थोड़े वास्ते नैन ऑफ अबव। यह दोनों चीज़ा का बच्चे के रूप के नहीं आदि मतलब कि अगर गल की स्टूडेंट अगर पुअर है तो ओबियस और बेनीफिट है अगर पुअर की गल तो नहीं की जाती ओवरलाइन लर्निंग की क्योंकि इस कोई फीस स्ट्रक्चर की गल ही नहीं होती। ठीक है ये पूछ रहे होर कि वास्ते बैटर है मतलब अगर बच्चा पुअर है तो वह तो स्टूडेंट की फॉर्म से ही आ गया इलिटरेट है तो उस चीज़ का कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन हाँ इनवायरमेंट वास्ते बहुत ज़्यादा वधी है। अगर COVID-19 की गल करा तो बच्चे घर के बीच बैठ के ऑनलाइन लर्निंग देंगे सी बच्चे बाहर नहीं निकलते सी तो इनवायरमेंट ठीक से बच्चा वास्ते उस टाइम को लैके। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन नंबर 34 स्वयं प्लेटफॉर्म वॉज डिवेलप बाय किन्हां द्वारा यह प्लेटफॉर्म बनाया गया सी MHRD जिन्हां दा नाम हुण की आ गया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आ गया पर MHRD की फुल फॉर्म की होंगी है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट प्लस ये इनिशिएटिव लिता सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सैकेंड कहता कि गूगल थर्ड कहता कि माइक्रोसॉफ्ट फोर्थ IIT दिल्ली फिफ्थ थोड़े पास एडोब। ठीक है जी हूँ क्वेश्चन देखना कि स्वयं प्लेटफॉर्म किने डिवेलप किया क्वेश्चन अकॉर्डिंग तो ऑप्शन तो यही ने चार पांच ऑप्शन ने पर सही साढ़े वास्ते फर्स्ट एंड सैकेंड ही है लेकिन यह नहीं देखना कि हाँ डिवेलप सिर्फ ये दो ने किया बाकी का कोई काम नहीं इनिशिएटर बहुत सारे से इनिशिएटर साढ़े वास्ते माइक्रोसॉफ्ट भी सी इनिशिएटर डिवेलप की गल नहीं की इनिशिएटर और IIT मद्रास भी साढ़े वास्ते किसी तरह का कह मतलब IIT मद्रास साढ़े वास्ते भी सी एक तरह का इनिशिएटर से तक ऑप्शन को सिर्फ दो ही बनदियां ने फर्स्ट एंड सैकेंड लेकिन इनिशिएटर साढ़े बहुत जा रहे सी परसिस्टेंट वाला भी एक ऑप्शन सी परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी। ठीक है वह भी साढ़े वास्ते एक तरह इनिशिएटर से तो इस ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन के जो ऑप्शन गिवन ने तो ऑप्शन को सिर्फ एक ही आएगा फर्स्ट एंड सैकेंड ओनली। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 दे विच की कहता की है वट इज़ लॉस्ट इन ऑनलाइन क्लास सैटिंग मतलब की है ऑनलाइन क्लास सैटिंग दे विच मतलब कि चीज़ खो जाती सी या कि चीज़ नहीं प्रॉपर वे नाल हो पाती सी तो ऑप्शन देखो कहता कि ए पॉइंट मटीरियल गेन बी पॉइंट ह्यूमन कनैक्शन हाँ ए ऑप्शन सही सीगा ये नहीं हो सकता ऑनलाइन सैटिंग्स के क्योंकि हरेक बच्चा अपने आप तो अलग होंगे हरेक बच्चा दूर बैठा कोई कितने बैठा कोई कितने बैठा रिमोट एरिए बच्चा ऑनलाइन की जाती है ह्यूमन कनैक्शन प्रॉपर वे नहीं हो पाता तो आंसर जरा बी है वह सही क्वेश्चन आंसर है थोड़े वास्ते। क्वेश्चन नंबर 34 ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म ऑफ द स्वयं इज मैं हूँ ही दस के आया सीगा थोड़े अपने स्वयं के चार क्वाड्रेंट सके जिस ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म थोड़े अपना फोर्थ क्वाड्रेंट पाया जाता है जिससे बच्चा अपने डाउट्स में करता से क्लीयर करता से तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है क्लीयरिंग द डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 35 प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट फेस इन ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज बच्चे कि चीज़ा की प्रॉब्लम फेस करना पिया ए पॉइंट है एग्जाइटी एंड डिप्रैशन बी पॉइंट है पुअर इंटरनेट सर्विस दोनों ही सही ने। उस तो बाद आंसर क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी दे विच की कहिंदा है अनफेवर होम लर्निंग एनवायरमेंट। ठीक है क्योंकि घर के एक कमरा भी है दो कमरे भी है प्रॉपर शोर शराबा भी रहा तो एनवायरमेंट सही नहीं सी तो तीनों ही सही ने पर आप एक आंसर टिक मार करना है तो आंसर क्या होगा ऑल ऑफ अबव जिन्होंने असं डी ऑप्शन को रखे है ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 की कहता है द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड बाय हूँ इतने पूछा कि गया जे स्वयं के चैनल से ठीक है कौन अपलिंक करता है स्वयं प्रभा के पहला 32 चैनल से बाद 34 चैनल हो चुके हैं तो उन्हें 34 देखना करंट वे न तो अपलिंक किन द्वारा किया जाता है तो आंसर सारे लगेगा कि सारे आंसर सही ने बट ध्यान रखना अपलिंक की गल की जाती है तो अपलिंक कि बारे किया जाए बिस्टैक द्वारा बिस्टैक जिदा जो कितने है गांधी नगर के गुजरात के ठीक है मतलब कि स्वयं प्रभा की सारी सारी जी चैनल की अपलिंकिंग है बिस्टैक द्वारा की जाती है।
अगर डी ऑप्शन कोई बच्चा कहता भी है ओह गलत कहता भी है, ये सिर्फ एक तरह का वैब पोर्टल है जो मेनटेन करके रखता सारे चैनल्स न, सारे चैनल्स में मेनटेन करके रखते 34 के 34 चैनल्स में। हम अपलिंक की गल की भी है ना कि मेनटेनेंस की गल की भी है, ठीक है जी। इस तरह सारे थोड़ा क्वेश्चन मिलने इस तरह बालेजुकेशन पॉइंट के करनी तो। अगर कोई बच्चा इंट्रस्टिड है, अगर कोई भी डाउट बच्चा पूछना चाहता है तो मैं बार बार थोड़ा अपना रिमैंबर दिला रहा अलार्मिंग दे रहा हाँ कि इस नंबर के उत्ते अपना कोई भी डाउट है अबाउट अ PPSC प्रिंसीपल सिलेबस के लिए या वीडियो लैक्चर के लिए या PDF के वास्ते तो तुम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।